कैसे बताऊं आप मैच नहीं देखते? नहीं मैं नहीं देखता। आंखों का मसला क्या हुआ है? बिजली की वजह से। पाकिस्तान ते इंडिया का मैच हो रहा, तुसी बर्फ विच जान रहे थे भाई? जब कल पाकिस्तान जितना है ते पूरे भारत ना जितना है, साडा बाबर आजम भी नहीं मानेगा। बस करो, मैं हर वर्ल्ड कप च अपना एक टीवी बनदा, जिन्ना मेनू पता है ना, इन्ना किसी नूं भी नहीं पता, रमीज राजा नूं नहीं पता। ते उत्ते गल्ला का कोई आया, इच पैसे पाए ने, हर वारी पल्लियों टीवी नहीं तोड़ सकदा। ए वर्ल्ड कप ते नां दा गल्ला लगा, तूं हल्ले नवाज नहीं देखिया? तू नवाज शरीफ देखिया? 3 साल हो गए लगातार चल ले रहे हो। ओपनर गिल, ओ पहली गेंद ही फाड़ना आपा। गिल नु नहीं गल करनी बरादरी है अपनी, जट ने उन्ने तुसी कोई गल करनी? इंशाल्लाह आ गया नाज़रीन, ऐ बंदा टीवी नहीं देने देते, शो भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं काके की मस्तियां। नाज़रीन, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टकराव कल होने जा रहा है, पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबल होंगे। कल इस वक्त तक नतायज मौसूल हो चुके होंगे, किसने मैच जीता है। ये बड़ा हाई वोल्टेज टकराव होता है, हर पाकिस्तानी जिसका मैच में इंटरेस्ट है या नहीं, जिसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं, वो इसमें दिलचस्पी लेता है। फालिज का मरीज उठ के खुद टीवी ऑन करता है, अंधा भी पूछ रहा होता है कितने रन हो गए हैं, गूंगा भी नारे लगाता है जितनी उसकी आवाज़ निकल सकती है। लोगों से जानते हैं पाकिस्तान हारा तो क्या करेंगे, पाकिस्तान जीता तो जश्न कैसे मनाएंगे, किसकी कितनी तैयारी है, कल के मैच को कैसे देखते हैं, आइए लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताएं कैसे जीतना है इंडिया से? आप ही बताएं, आप खुद ही बताएं। मैं कैसे बताऊं, आप मैच नहीं देखते? नहीं मैं नहीं देख रहा। आंखों का मसला क्या हुआ है? बस वैसे मेदे की वजह से। मेदे का क्या ताल्लुक है टीवी से? बैठना पड़ता है, मैं इसलिए बैठता नहीं हूँ। मेदा इकट्ठा हो जाता होना? हाँ इकट्ठा हो जाता है, जरा खड़े खड़े थोड़ा देख लेता हूँ। कल थोड़ी जी नरम गजा खा के मैच देख लियो। चलो कल नहीं देखा, कल अज तक गुजरन दो। दरअसल ना हालात ने कुछ नहीं देखने जोगा छड़िया। जिहड़े हालात मुल्क दे ना, वो कोई शायद नहीं चंगी लगदी। ना भी बंदा परेशान होवे, पाकिस्तान इंडिया दा मैच बंदा वेख ही लैंदा। जितना मैच देखते हैं, इधर से देखते हैं, उधर से निकल जाता है। किधर से निकलता है? बस इधर से एंड दी वारी आके दिल ही टुटदा। कुछ की कोई इश्क हो गया तुहानू? की हुंदा ना, इह वी इश्क ही हुंदा है, जिन्हूं कहंदे कि टीम दे नाल इश्क हुंदा। हां जी, कुछ बणिया बणिया जिन्हूं कहंदे आके ते हार जांदे ने। इश्क दा इश्क, इश्क तो है ये, ये मैच वाला तो इश्क है हमारा। तुसीं वर्ल्ड कप दसो किन्ने किन्ने ओवर दा होंडिया भला? ये नहीं मालूम। जिताना किदा पाकिस्तान? नहीं जिताना है, अजी गल्ला करके मगर जो नारे जगे करांगे ना, उना दा हौसला अफजाई होएगी ते जितनगे। ओ कल्ले नारे ना जितजेगा? ओह नो, नारे ना जिन्नू कहंदे ने कि इमरान खान जी सकदा है ते टीम नहीं जी सकदी। सर कोई ऐसी कोई प्लानिंग दसो, पाकिस्तान टीम की करे? बस ये भी माफी मंगे अपने गुनाह जिहड़े करदे आ, रिश्वत ना खान, हां हराम ना खान, अमान च ताकत लियाउण जिहड़ी अमान दी ताकत। पाकिस्तान टीम माफी मंगे फिर जितजेगी? मतलब मालक को मालक अगे माफी मंगन, अकल आल खान गुनावा दी माफी मंगन ते वर्ल्ड कप जित सकदे ने। आंदे नाल जदों सिख दसदे इक सिख 1.25 लाख बंदे दे, भारी 100 बंदे दे, ए सिख तो बाद मुसलमान हैगे ने, ए अमान दी कमजोरी दी वजह तदे हरदे आ। को अंडे मारे जाए? किनको अंडे मारे जाए? ये टीम जो हरती है भारी, भारत को, दोनों को मार दे। भारत की टीम को अंडे मारे जाए? ये उनको क्यों मारने हैं, जो अपने आदमी जो खेलते हैं उनको मारने चाहिए। उनको क्यों मारने हैं भाई, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करो। जीत गई है, जीतेगी। हमने तो यही सुना है, हर बार हार जाती है। रात को मैच है, हर बार हर जाती है। कल को इसी टाइम मैच है। अच्छा कल होना है, मैं कह साहब का मैचों की बात कर रहे हैं आप, वो साहब का मैचों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि इनको अंडे मारे जाएं। क्या सोचता है, किस प्लानिंग से पाकिस्तान को जाना चाहिए? पाकिस्तान जीते के अकेले वंड दे सा, इन्हें अकेले वंड दे सा, दो रक्षे वंड दे सा, दो रक्षे अकेले पाकिस्तान जीत गया ते वंड दे सी, जे पाकिस्तान हार गया तो फिर की कर सी? फिर कादे वास्ते वंडने ने? बेचने ने, फिर बेचने ही है, और की करना भाई जान। और उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हार दी दुआ करी जावे कि मेरे रक्षे बाजण के लेयां दे। नहीं इंशाल्लाह जी बिल्कुल पाकिस्तान जीतेगा, बांट देंगे, बिल्कुल बांट देंगे। अच्छा हमारे 15 खिलाड़ी गए हैं, फी खिलाड़ी को कितनी दर्जन केले दोगे यहां से, अगर वो फोन करें कि इंडिया भेज दो? इंडिया भेज दो? इंडिया में केला नहीं है, कहना उधर उधर से ले लेना ना, इंडिया भी मिल जाएंगे। ये केला चाहिए ना जो ये फ्री बांट रहा है मैच के ऊपर, इंडिया से केला और होता है। पाकिस्तान वापस आएंगे ना तब दे देंगे, फिर बांट देंगे। कोई मुझे प्लानिंग बताओ, पाकिस्तान को टॉस जीत के क्या करना चाहिए? टॉस जीत के इनको फील्डिंग करनी चाहिए। फील्डिंग करनी चाहिए ना, बैटिंग करना, बॉलिंग करना, कल ही फील्डिंग कर लेना ना, बॉलिंग ही होगी ना, फील्डिंग की होगी ना, बैटिंग अलग होगी। टॉस जीत के बॉलिंग करन, एंड दे खेलना, उनको पता चल जाएगा एंड दे कितना, 48 ओवर तो शुरू कर देना मैच। वो ऐसी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बैटिंग ना करना, पहले उनको खेलने दें, पहले उनको खेलने दें या पहले फील्डिंग कर लें? अगर उनकी पहले बैटिंग आ गई, अपनी पहले बॉलिंग हुई, तो उनकी बैटिंग अगर हमारी बॉलिंग से अच्छी हुई तो शायद हम थोड़ा सा बॉलिंग पहले करके जीत जाएं, ये कहना चाह रहे हैं? कोशिश करें कि फिर भी हमारे जो है ना दूसरे बॉलर जो है अच्छे हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ जी भाजी, वर्ल्ड कप किधर? पाकिस्तान का। नहीं तुम चुक लोगे वर्ल्ड कप? इंशाल्लाह मियां साहब बाहर चुक लाँगे।
मुश्किल है अगे वर्ल्ड कप चुके लिया आ रहा है मुश्किल है वो तो मियां साहब ले आएंगे मियां साहब नू फिर 15वां खिलाड़ी पा दे उथे नाज़िन यहाँ पे दुकानदार हैं दुकानों में जाके देखते हैं ये सामने एक सैलून है इधर भी चलते हैं और लोगों से पूछते हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा तो क्या करेंगे हारेगा तो क्या करेंगे आइए अंदर के मामलात भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वो काम कर रहा है सर क्या हाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान गुजारा ही पाए भाईजान ये शेव करवा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच है कल उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। तैयारी शेड़ी करके देखांगे ना पाए मैच तैयारी करके पूरे सोने बन के टीवी के बैठने गए पाए हर अंदी तैयारी कर रहे ने पाए तू पागल है शेव कर रहे हैं और मैं की कर रहे हैं पागल गल्ला किस किस्म दी कर रहे हैं बंदा पाकिस्तान हार पाकिस्तान कल जीतेगा नहीं बाबर आजम ने की करता पाई है बस करो मैं हर वर्ल्ड कप च अपना एक टीवी बन दा की करता की कर सकदा तू जे पाकिस्तान खुदा ना खासता पाकिस्तान हार गया पाकिस्तान ने जितना है शुभ शुभ बोलो भैन की कर रहे शुभ शुभ की झूठ बोल रहे फिर गल्ला कर रहे नहीं की करेगा तू की कर लेगा तू भाजी मैं अपना टीवी भी तोड़ना है ना जिदा वर्ल्ड कप च ऐतकी मैं इन्हों का कुछ भी होर भी तोड़ूंगा जिदा ये हट नहीं ना रहे सारा किस किस्म का पाकिस्तान नहीं है छोटी कौम नाई कमी कौम मेनु की पता है छोटिया गल्ला कर रहे है मेरे अज उस तरह भी है भाई तू मेनू नहीं जानता उस तरह है हां जी भाई ऐसी गल ठीक भी हो सकती भाई पाकिस्तान हरना हो की सकती होनी पाकिस्तानी टीम का पता नहीं श्रीलंका का की हाल किया मैनू अपना पता तानू नहीं पता अठ वर्ल्ड कप पांच सात मैच हार गई है इंडिया एक जीती ऐतकी दसा विकटों तों जिहड़ा हराया जिन्ना मैनू पता है ना इन्ना किसी भी नहीं पता रमीज राजा नहीं पता असं पुश्तों तो टीवी तोड़ते आ रहे हैं अपने टीवी तोड़न का की मसला तेरा की मामला टीवी तोड़न का ओए असी इदां दी कोई गलत चीज देख ही नहीं सकते जिस पाकिस्तान आ रहा की टीवी तोड़न दी धमकियां देई जान रहा कहिंदा पाकिस्तान ने हार जाना वा टीवी दा खराब है कोई लै भी नहीं रहा तेने तोड़ना किसान साडी टीम ते कर रहा ओ भाई जा घर दे कुछ है भन जा के बोलो मैं तुहाडी जुबान ते फॉर्म ला देना असल च पाने तो घड़ूसड़ा है तो मैं दाढ़ी मनानी है यार पाकिस्तान जीत सकता वा तुसी मस सकदा पाकिस्तान ओए झूठे हार भी सकदा की करेगा जे हार गया तो मैं इत्थे हर शायद तबाह कर देंगा तबाह की कर देंगा की है इधर की है टीवी केड़ा टीवी है ए वर्ल्ड कप ले ले आ मैं टीवी चट्टी का तो रखी है दे उते एदे ना मैं कल नु इनु तोड़ना तेनू पहले ही पता पाकिस्तान ने हारना पाकिस्तान ने जितना वा मेनू आदत ही इन्नी हो गई आ पाकिस्तान जेदा भी है मैं भुल भुलेखे तोड़ देना यार टीवी तोड़े हुंदा कल्ले अपने दसांगे अपने वड़कियां दे भी दसां मेरे दादियां नू तोड़दे आ रहे हां जी असीं पुश्तां तो पाकिस्तान हरिया नहीं जिन्ना तू दादियां तक टीवी बचाता वा बेटे पाकिस्तान भी पुश्तां तो हरदा आ रहा ते असीं भी पुश्तां तो टीवी तोड़दे आ उहनां तेरी पुश्त भांदणी आ ओदी जाके शेव कर पहले तुसीं इक वारी इंडिया नू हराओ ना गाह खराब कर रहे बंदा गाह खराब कर रहे दुकान ते की खराब कर ली पाकिस्तानी टीम पीछे गाह की पाइन अगर कल पाकिस्तान जीत गया ना हां जी तुसीं फेम तुहाडी शेव कर दो नहीं अच्छा पाकिस्तान जीतेगा कि हारेगा ये दसो मैनू जितना है पाइन कड़ फड़म दाढ़ी आई है ज़ईफ आदमी ने बुजुर्ग आदमी झूठ बोल नहीं सकते मेरे हत्थी आई है उहनां दी सफेद दाढ़ी आ देख तो बैन भाई की हो गया जे जवान आर्मी हैगा की होया तेरा मुंह देने हाथ फेरदा गंदा जरा सीम वाला केड़े नाई को आना तू मैं मुंह बंद करना जा रहे हैं इहदा ऐ नीले बेड़े पाकिस्तान कहंदा मैं टीवी तोड़ना है टीवी तोड़ सकदा एदी हैगी डीएससी ते मैं हुणे ही तोड़ के दिखादा तेनू गल सुन तू हल्ले तेनू पता नहीं हैगा शीन फरीदी दी जिहड़ी स्विंग पता नहीं किथे आ लितर खा रहे आ रोजाना दी बुनियाद ते सरौगा जेड़ा बाउंसर है ना तेनू पता नहीं हल्ले हां जी कल उहने चौक के मारे आ स्टेडियम तो बाहर शाहब खान दी गुगली पता नहीं किथे आ देखण नू तरस गए आ असीं गुगली मुगली जवान
ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਸਵੀਪ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹਲੇ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਵਾ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹਲੇ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਤੂੰ ਹਲੇ ਹਸਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੇ ਕੜਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪਵਾ ਹੀ ਲਈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਰ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੱਪੜੀ रूह कबर च कम जानी है टीवी दे सट वजी दादे दी निशानी भी दादे को चले गई है पिछले वर्ल्ड कप दादी टीवी अच्छा की मसा पर इंडिया को हरना वा मामू लगदियां नूं हले फ्लिकां नहीं पता है थर्ड मैन ते सिंगल किदां दी लैंदा तुहानूं ही मामू लगदियां ये चैटां दा नहीं पता चुप ते करो तुसीं तुहाडी शेव कर देनी मैनूं देखना यार पाकिस्तान ने हरना वा ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ 50 ਮਾਰੀ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ 35-30 ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਖਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈਣ ਗਏ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਅਸਲੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਪਾਇਨ ਜੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗਾ ਨਾਈਆਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੱਗਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਦੇਊਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗ ਦੱਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ मेरी खाला याद आ रही ऐदा नहीं बोलना तुसी अबड़दा करो भाई कल इंडिया दे बुमरे नूं ओह सट्टां पैणियां ना ओए बुमरा काजू बदम तो नसवाल तीन चीजा मिक्स खा के एनू की पता खुराक और जिंदगी काजू खाधे तू ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਾਜੂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੁਮਰੇ ਨੂੰ ਗਰਾਉਂਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਨਾ ਭਾਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਗਲੇ ਐਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਭੁਮਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿੱਤਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂਗਾ ਓ ਨੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜਨੀ ਗੇਂਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੋ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਐਤਕੀ ਸੈਂਚਰੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ਹੀਨ ਹਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਦੇ ਜਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੇਜਾ ਐਵੇਂ ਪਾਇਆ ਟੀਮ 'ਚ ਜਦੇਜਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੜਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲਮੀ ਚੁਗੇ ਆ ਸਿਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪੜਾਇਆ ਵੀੜ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਡਾ ਸ਼ਾਮੀ ਬਰਗਰ ਡਬਲ ਉਹ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆ ਜੱਗੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾਈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਗਾ ਟੈਪ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਓਪਨਰ ਗਿੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੱਟ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ੀ ਤਨਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੀਵੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਧਈਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੀਤ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ ਕੈਸਾ ਆਦਮੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਈ ਕੋ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੈ ਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲੰਗੜੇ ਗਏ ਪਰ ਟੀਮ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅੰਨੇ ਨਬੀਨੀਆਂ ਦੀ
पाकिस्तान फिर की करेगा जीती नहीं सकता भाई जान इधर क्यामत निशानियां पूरी हो गई यकीन कामल है यदी टीम नहीं कामल भाई जान कल जे पाकिस्तान जीत गया ना छोटी कौम दे बंदे नूं 200 रुपया टिप दे के जाने छे ओ तुसी आ गल्ले च पा जियो जे जीत गया करो मैं तुहानू एडवांस मुबारक देना पाकिस्तान ने कल जीत जाना टीवी चुको तो चलिए 92 दी निशानियां याद आ केड़ियां निशानियां जड़ियाँ 92 दियाँ हर वर्ल्ड कप तो पहले 92 दियाँ निशानियाँ पूरी कर लेंगे आखिर जी जिम्बावे को जीत गया सी नैदरलैंड बारिश हो गई और बारिश नू छड़ इधर क्यामत दी निशानियाँ दो रह गई 92 दियाँ नहीं पूरी होनी पई वर्ल्ड कप जितया सी याद करनिया नहीं वो बेटे मेरे टीवी की सालगिरह होनी कल नू तुहानू पता किदा कल हार जाना पाकिस्तान फाइनल दा टीवी चुकी है तो चलिए इहदा टीवी बचाइए दाड़ी बना ला टीवी नू की बचाउणा मतलब तू टीवी नहीं तोड़ना क्यों नहीं तोड़ना पाकिस्तान ने जितना वा ओ किदा जितना वा तू टीवी नू असला अपना काम कर अपना गाहक भी ले आ मेरा चल यार कहीं नाई दा सिर पाड़ दे भाई पाड़ दे दा सिर दा टीवी किस किस्म दा गद्दारे वतन टाइप बनाई गया भाई तू कल पाकिस्तान ने हारना ना उन्हें इतना गंदा हारना वा तेरा दिल पाट जाना ओह नो सिर पाड़ना तू मेरा नहीं तू पाकिस्तान ना पूरा प्यार नहीं करदा ओए पाकिस्तान ना करदा वा टीम ना नहीं करदा टीम ना भी करदा वा पर अच्छी ना अच्छी टीम केड़ी यार आगा सलमान नु क्यों उथे लेके गए आ ओ आगा मालछी आ वा ओ आ गया चुआ ओए आ गया चुआ तो ओनु आगा कर दे ले आ गया चुआ चलो बाजी सलमान खान बाहर बैठा मलिंगा टाइप समझ नहीं आने ज्यादती नहीं है ए ज्यादती नहीं इस वजह तो नहीं मेनू ये पसंद इमामुल्लाह कैवें खिलाया अब्दुल्ला शफीक देख हुण फखर जमान ने 10 तो 15 मैच हो गए आ अब्दुल्ला शफीक दे मैच खा गया पैसे आपने देखा कैसा कैसा ये सलून वाला नाई है सर किस किस्म का बंदा सी सर छोटी कौम छोटी सोचा इधर राजपूत ना गल करो ना कल पाकिस्तान जितना है इंशाल्लाह आ गया नाज़रीन ऐ बंदा टीवी देने दे ते शो भी नहीं करना चलो ऐ टीवी तोड़दा हर साल ऐतकी भी सोचा कि टीवी तोड़ना तू टीवी तोड़ के दिखा पाकिस्तान इंशाल्लाह जितेगा कल इस टाइम जशन होंदा होएगा बेवकूफ आदमी 100 रुपए का नुकसान मौके ते कर लिया हुए जज्बाती है ना जज्बाती है ना टीवी भी इन्हें तोड़े ना वो भी गल थोड़ी जी गलत है अपने हद तक टीवी तोड़ी जा रहा है हूँ कल इस टाइम जशन होएगा इंशाल्लाह जी एक नारा मारते हैं सारे रल के पाकिस्तानी शाह पाकिस्तान जिंदाबाद जो होर लोगों को पूछते हैं हर पाकिस्तानी अन्ने वाई ये कहता पाकिस्तान ने जितना अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है शुक्र अल्लाह का आपने बड़ी टोपी पहनी है माशाल्लाह दाढ़ी रखी है दुआएं कितनी है पाकिस्तान टीम के लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच है कल बहुत सारी दुआएं जी अल्लाह कामयाबी दे इन्हें अच्छा कैसे खेलेंगे अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर हार गया तो फिर क्या करेगा अफसोस होगा दुख होगा भाई जान कितना दुख होगा ब्लेड मारेगा बाजू के ऊपर वो तो आराम है ना वो नहीं करेंगे वैसे दिल में अफसोस होगा दिल में अफसोस होगा कितने अफसोस पहले हो चुके इस तरह के तो बहुत ही उन्होंने किए हुए हैं सर अब अल्लाह दया दे इन्हें भी और इंशाल्लाह अल्लाह हमें फतह दे भाई जान को पता मैच आने पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान का मैच तो आ ही रहा है झाड़ू ना चौके मारने ਇਸ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਤੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਬਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓ ਨਾਲੇ ਦੱਸੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
तुत की है जो पिछों ही आर्डर आना कि हूँ माल मिल गया ना चलो चुप कर मैं नहीं वेख्या कि मैच खेडदे किसी ने कोई फोन लाया हो कानू पिछों आर्डर कितों आना ऐसी उम्र हो गई देखते पानी पियान आते हैं दो मिनट ली उस तो बाद गेम बदल गई चलो पियाना सर दो सोडे का लाओ ही नहीं है मैच ओह नो ओह नहीं है ना नहीं जीत सकते इंडिया नूं हरा देना आप जे एडे काबल होंगे फिर पीसी पीसी पैसे देंगे बंदे अपने बिठाते हैं जिमें इंडिया ने बिठाया नहीं इन्होंने तो क्या नजम सेठी ने कहा नहीं जी असी पैसे नहीं देंगे सानू नहीं जरूरत उन्होंने पैसे दिते दसो जे पाकिस्तान जीत गया फिर बर्फ किन्ने की बेचनी है जे हार गया की करना जीत ही नहीं सकता बस छड़ दे तू एक गल तवीज पाए ने तवीज कादे पाए हुए ने तवीज सिर्फ पैसे वाले डालर वाले कहन डे कि मैं फटा मूदा कर देना नहीं असं क्यों कर दी मुद्दा फटा सानू कि जरूरत पी है अपनी रोजी खराब करिए पाकिस्तान ही निकल दिल नहीं करता पाकिस्तान जिते पाकिस्तान वो करप्शन रज के है तकड़े न माफी है हैं माड़े न अदालतों च पहुँच गए क्रिकेट की गल करते हैं यही चीज़ है इन्हों ना चंगे चंगे खेडने वाले पे पैसे नहीं उन्होंने को उन्होंने चल ना लो कि बंद नहीं लैके कई नहीं लैके गए मैं तो नाल चलो उत्थे कितने चलो ते वो छोटी टीम है पी आई ए च दूसरी च चलो हाँ उत्थे किन्ने बंदे पी आई ए तो जहाज की टीम है जहाजा ला जाते हूँ उतो ही चलते हैं ना बंदे उतो ही चलते हैं ना उन्होंने टीम च तो कौन लेके गया अच्छा ताश जित के की करना चाहिए इन्हों ताश जित के जो मर्जी कर लेने पहले खेल लैन या बाद च खेल लैने फारक ने पिछले साल इंडिया नूं 10 विकटां तों हराया ओह किन्ने हराया और तुसी वर्ल्ड कप का मैच आज तक उहदे कोल जीत ही नहीं सके वर्ल्ड कप का ही मैच सीगा लाइट नहीं सी आ रही वर्ल्ड कप इंटरनेशनल तुसी आज तक नहीं जीत सके उहदे कोल जी इंटरनेशनल दी गल ही कर रहे हैं चलो बस जिहड़ी गल सी ना मैं तुहानूं कर दित्ती है यानी कि तुहाडे कागज़ां च फर्क बस टॉस जीत के भावें इंडिया खेले भावें पाकिस्तान खेले ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ ਹਾਂਜੀ झाड़ू बनते है जिधर गटर साफ करने वाली चीजें होती है ना जैसे सोलूशन हो गए बिल्कुल बिल्कुल वो कितने का एक देते हैं हम देते हैं वो 6,500 रुपए का एक देते हैं अच्छा अंदर तक सफाई करता है वो अंदर तक नहीं वो पूरे मोहल्ले की सफाई कर देता है पूरे मोहल्ले की सफाई करता है अच्छा मुझे ये बताओ पाकिस्तान इंडिया का मैच है पाकिस्तान ने इंडिया की कैसे सफाई करनी है कल के वी आर पाकिस्तानी सो प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मैच हमारा ही है हम ही जीतेंगे हमारी टीम हमारी हमारे साथी पाकिस्तान के नौजवान बड़ी मेहनत करके आगे गए हैं तो इंशाल्लाह ये मैच हमारा ही है और वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे आप ही जीतेंगे इंशाल्लाह किस प्लानिंग के साथ जाना चाहिए प्लानिंग देखें किस प्लानिंग के साथ के अब जैसे बाबर आजम है ठीक है उन्होंने मैच के लिए मेहनत की उन्होंने गाइडलाइंस दी होगी अपने साथी जितने भी खुद रन नहीं कर पा रहे वो रन कर नहीं पा रहे ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए रिजवान अच्छे प्लेयर हैं साथ बाबर आजम अच्छे हैं इनकी पार्टनरशिप भी अच्छी जाती है इंडिया के अच्छे प्लेयर हैं उनका क्या करेंगे इंडिया के बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं प्लेयर तो हर मुल्क के अच्छे हैं ठीक है कोई भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए ठीक है एक परफॉर्मेंस पे होता है अब देखें कि हमें सबसे पहले इतना जज्बा होना चाहिए कि वी कैन डू इट कि हमने जीतना है वी कैन एंड वी विल के करके दिखाएंगे इंशाल्लाह बात मैच पे हो रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज जंग वाली है देखें जैसे आपके सवाल आते हैं वैसे ही है ये भी एक जंग ही है आपके नैन नक्श भी जंगी जहाज जैसे अच्छा थैंक यू सो मच और कुछ नहीं आपको इतनी इंग्लिश कैसे आती है बस मैं अनपढ़ जाहिल हूँ स्कूल के बाहर पढ़ता रहूँ मैं स्कूल के बाहर भी क्लास होती है बिल्कुल हमारी क्लास बाहर ही कान लगा के ऐसे ही है
टॉस जीत के क्या करना चाहिए? टॉस जीत के क्या करना चाहिए? टॉस जीत के बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाह क्या वहाँ पे लंगर लगा हुआ है? टॉस जीत के देखें पहले बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग चूज करनी चाहिए, ठीक है। फिर एक हैवी टारगेट देना चाहिए, हैवी टारगेट देंगे। हैवी टारगेट कितना? टारगेट के साथ पत्थर बांध दें? अब हम नहीं नहीं पत्थर ना बांटते, तकरीबन कोई पहाड़ उनके सामने खड़ा करें जो कि ढाने में भी मुश्किल आता है। अगले कौन सा चूहे हैं जिनके सामने पहाड़ खड़ा करना? अच्छा तो पत्थर से भी तो चूहे जंप लगा के पत्थर से ना मारे मेरे पांड्या को, चूहों को, मेरे चूहों को। बिल्कुल। अच्छा जो इंडिया के इतने फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग देखी है, वो काम नहीं कर रही जो करती होती थी? इंडिया के जितने भी फास्ट बॉलर हो ना, पाकिस्तान की वर्दी देख के इंडिया डर जाता है भाई। हमारे फौजियां पाक जानी यार, फौजी नहीं भी पानिया, लेकिन पाकिस्तान एक ब्रांड है, असी आप एक ब्रांड हाँ। बंदे भी बड़े कैम आ, असी नस्ली बब्बर शेर हाँ, तारफा की की लोड़ है, जिन्हों मर्जी पूछ लो। उधर इंडिया देखन दिया, उधर अखा चखा पा के इंडिया दे गल कर मेरे ना। इंडिया के बारे में बात किया, पाकिस्तान हमेशा आगे रहे, पाकिस्तान को हर मुल्क से मोहब्बत है, ठीक है। हमारी तरफ से कोई जंग नहीं है, तो हम भी हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ आगे रहे। ये साजिशें वगैरह ये सब कुछ इधर ही रह देनी है। क्रिकेट किधर है इसमें? क्रिकेट इधर ये पीछे डी ग्राउंड में हो रही है अभी। सर कितना मैच कितना खेलना चाहिए? मैच जिस तरह खेलते उस तरह ही खेलना चाहिए, अगर उन्होंने खिलाड़ी ने कहना रेड के खेलना चाहिए। कोई स्ट्रैटेजी दसो, इंडिया को कितना हराना आप? इंडिया को कितना हराना आप? इंडिया को जिन्होंने कहते कि साड़ी टीम ने रहना, असं थोड़ा रहना, अभी तो जिन्होंने कहते मगर देख रहे उन्होंने हाँ चंगा खेड के रहा है। कितना खेलोगे जो आप इतफाक होगा? टॉस जीत के की करना चाहिए? टॉस जीत के तो टीम को फैसला करना चाहिए ना, अभी टॉस हार के चंगा खेडा जीत के चंगा हाले सोचना कल मैच नहीं नहीं तो टीम ने मतलब एक अपना फैसला करना है ना। फैसला की उसे कड़ा पंचायत बैठी है ग्राउंड से आपस मतलब है ना तो आपस कबर मैच। सवाल खान साहब आपसे ये है कि पाकिस्तानी टीम किस प्लानिंग के साथ जाएगी? अगर जीतेगी तो क्या करेगा, हार जाएगी तो दिल बर्दाश्त होकर क्या करेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो इंशाल्लाह मारेंगे नहीं, क्योंकि पिछला जो मैच हम जीते हैं रात वाला, कॉन्फिडेंस यानी बढ़ चुका है हमारा, ठीक है। अच्छा। जैसे 350 शाइनू ने चेस किया, इसी तरह इंशाल्लाह 350 जैसे चेस किया ना, हम इंशाल्लाह उसी कॉन्फिडेंस से जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी बॉलिंग अटैक सबसे बेस्ट है, आपको पता है। जो पिछला एशिया कप का मैच है वो याद है ना आपको? बिल्कुल याद है, देखें होता रहता है, कभी कभी मार पड़ भी जाती है, लेकिन हमें वो मार की तरफ नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हमें 50-60 मैच पीछे भी चले जाना है, यही बॉलिंग हमें जितवा रही है शुरू से। जब से क्या करना चाहिए? चाचा जी कहाँ जा रहे हैं आप मुझे बताएं। खिलाड़ी को इतफाक से खेलना चाहिए यार, बस इतफाक से क्या खेलना चाहिए, वहाँ कैसे खाना लगा जो इतफाक से खाना है? नहीं नहीं खाना तो गेम से मतलब होता है, मतलब क्या कहता लग के खाने से गेम करना कहते। अच्छा खेलने मालिश करनी चाहिए टांगों को? वो टांगों की मालिश हुई है उनकी, उनकी टांगों की मालिश होती, इतनी मेहनत करते हैं। हाँ जी इस काम के लिए करते हैं, अच्छा खेलने के लिए करते हैं। कहते हैं टांगों को मालिश हुई है, कितनी मालिश हुई है? जी जाहिर बात है रात को दौड़ दौड़ के जिस तरह उन्होंने रन किया तो जाहिर बात है मालिश तो हो चुकी होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको लिख के देता हूँ, यही बॉयज और यही लड़के इंशाल्लाह हमें इंडिया से फतह दिलवाएंगे। कौन सी चीज है आपके पास जो आप इंडिया को हरा सकते हो? देखे मेरी बात सुने, जिस तरह कॉन्फिडेंस हमें मिला है बैटिंग में, ईमान का जज्बा है, सारा कुछ इंशाल्लाह ईमान का जज्बा हमारे में, इतनी ताकत है कि हम मतलब उससे जीत सकते हैं। आप में भी ताकत है? हाँ जी हाँ जी, हमारे पाकिस्तान की टीम जी, आप चल जाओ फिर, जब कलमा पड़ेगा इंशाल्लाह जीत होगी हमारी। सर बॉर्डर पे मैच नहीं हो रहा, ग्राउंड में हो रहा है। Oh, no. मेरी बात सुने, ऐसा कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह खेल को खेल ही समझेंगे, ठीक है, कोई ना कोई जाएंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अच्छी अच्छा खेल पेश करें, ठीक है। इस तरह ना हो कि जैसे पिछले मैच एशिया के खिलाफ एशिया कप में 128 किया था 357 के मुकाबले में, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, दबाव नहीं लेना चाहिए। वो भी 11 खिलाड़ी, हमारे भी 11 ठीक ही होते हैं सर, 15-15 तो। यही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। इसी लड़कों को कहना चाहता हूँ कि अवाम आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ इंशाल्लाह। Do 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 do.